बंदर और मगरमच्छ की कहानी सुना रहे हैं। चलो सुनाना शुरू करते हैं। एक जंगल में एक मगरमच्छ रहता था। वो बहुत बुरा हो गया था, सुबह से काम नहीं कर पाता था। इसलिए वो एक पेड़ के नीचे जाकर रुक गया। और फिर पेड़ पे एक बंदर था जो पेड़ पे बहुत सारे अमरूद हुए थे, वो खा रहा था। फिर मगरमच्छ ने बोला, फिर उसने बोला मगरमच्छ ने कि मुझे भी दे दो जाम फल। फिर बंदर ने दे दिए और फिर वो दोनों दोस्त बन गए। फिर वो अपने रोज रोज आते थे बंदर के पास और वो खाना खाने के लिए ले जाता था। फिर एक दिन मगरमच्छ ने बोला बंदर से कि आए मुझे अमरूद दे दो, मुझे अमरूद दे दो। फिर एक दिन वो अमरूद लेने आया, उसको अमरूद अच्छे लग गए। फिर वो अपनी पत्नी के लिए ले गया, पत्नी को उसको अच्छे लग गए। फिर पत्नी ने बोला कि मुझे इसका इसके जाम फल अच्छे हैं तो उसका दिल भी अच्छा होगा, मुझे उसका दिल चाहिए। फिर मगरमच्छ बंदर के पास गया। फिर मगरमच्छ ने बोला कि आज मेरी पत्नी ने अंगूर और पूरी आलू की सब्जी बनाई। फिर बंदर बोला मैं भी चलूँगा। फिर वो उसके पीर पर बैठ गया। फिर जब वो बीच रास्ते पर पहुँचा ना, मगरमच्छ ने बोला कि अरे दोस्त मुझे माफ़ कर दो, मेरी पत्नी तुम्हें इसके लिए तुम्हारा दिल खाने के लिए बोल रही थी। इसीलिए फिर बंदर बोला कि मेरा दिल तो पेड़ पे ही छूट गया, फिर से चलो वहीं पर पेड़ पे। फिर वो चले गए और फिर वो पेड़ पे चले गए और फिर बोला बंदर हट खराब दोस्त, कभी दिल भी निकल के आदमी जिंदा रह सकता है। और कहानी खत्म हो गई।